दोस्तों, एक तो पहले ही मध्य प्रदेश में बीजेपी की हालत एकदम खस्ता हो गई है। तमाम मीडिया विशेषज्ञों का मानना है इस दफा के चुनाव में मध्य प्रदेश से भाजपा का सत्ता खत्म और जो दूसरी बची कुची उम्मीदें हैं वो भी पार्टी के नेताओं ने आपस में झगड़ा करके टिकट को लेकर मारामारी, अपने ही नेताओं के खिलाफ नारेबाजी करके यह दिखाता है मध्य प्रदेश में भाजपा किस हद तक बिखर चुकी है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है जिसमें जबलपुर के चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव पर भाजपा के ही कार्यकर्ता ने हमला बोल दिया, साथ ही बीडी शर्मा चोर है, दलाल है, इस तरह के नारे भी लगे। इस तरह से लड़ रहे बीजेपी के नेता आपस में, इससे साफ पता चलने लगा है मध्य प्रदेश में क्या होने वाला है। दरअसल मध्य प्रदेश चुनाव के लिए बीजेपी ने शनिवार को अपनी 5वीं सूची जारी की जिनमें 92 प्रत्याशियों के नाम पर मोहर लगाई गई। लिस्ट जारी होने के बाद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ऑफिस में जमकर हंगामा मचाया। अब भला ये सब होने पर कांग्रेस पार्टी के नेताओं और समर्थक भला चुप कैसे रहते, जमकर मजाक और कटाक्ष करना शुरू कर दिया। कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी के नेताओं के झगड़ा वाला वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले ही बीजेपी हार गई है। बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता आपस में भिड़ रहे हैं, वहीं केंद्रीय मंत्री के साथ खींचतान हो रही तो कहीं प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ नारेबाजी। संकेत साफ है, बीजेपी की अंदरूनी कलह भारी पड़ने वाली है। शिवराज की भ्रष्ट सरकार का अंत तय है। तो वहीं कांग्रेस नेता सुप्रिया सिरनेत ने भी मजे लेते हुए ट्वीट पर लिखा, भूपेंद्र यादव जी केंद्रीय मंत्री हैं और भाजपा के मध्य प्रदेश प्रभारी हैं। राज्य में कार्यकर्ताओं के परस्पर प्रेम को देख उनकी भी आंखें भर आई होगी। भाजपा के अंदरूनी खींचतान पर चरण चुंबक भले चुप रहे लेकिन पांचों राज्यों में डूबने से बचा नहीं सकते। दोस्तों, भाजपा के नेताओं का आपस में इस तरह से झगड़ा करने पर बहुत ही ज्यादा ट्रोल हो रहा है और मध्य प्रदेश में बीजेपी की हालत पर बहुत ही मीम्स भी बन रहे हैं। आपकी क्या है राय हमें जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।